अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुझे इजाज़ सफ़र। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी आपकी दोस्त बहुत अच्छी। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन आलू और केसर सोरी। लाइट हमारी गई हुई है, इमरजेंसी लाइट ऑन की हुई है और जल्दी से मैं बनाऊँगी खाना क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है और एजल अकेली कमरे में, तो साथ साथ में खाना बना रही हूँ, साथ साथ में एजल को देखूंगी। तो बस चीज़ें मैंने रेडी कर ली, तो मैंने बोला कि हम लोग बनाया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और चिकन। तो सबसे पहले एजल को दिखाती हूँ, क्योंकि एजल को मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद देख रही थी क्योंकि एजल अभी सो रही है, या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, आज भी हवा बहुत ज़्यादा है, सो रही है। इमरजेंसी लाइट मैंने ऑन की हुई, पर्दा वगैरह देखे मैंने आगे किया हुआ क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमारी विंडो से हवा इतनी आती है, ये देखे हवा इतनी चल रही है ना। मैंने एजल को रोमपर वगैरह पहना के पैक वगैरह करके सुलाया हुआ है। तो अब जल्दी से बनाते हैं खाना क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला है। चीज़ें सारी रेडी कर ली है, चिकन मैंने वॉश कर लिया है, सारा मसाला भी बना लिया है। मैं जल्दी से रखती हूँ क्योंकि एजल का कुछ पता नहीं, वो कब उठ जाए तो वहाँ पे मेरा काम रुक जाता है। तो प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है, यहाँ पे मैंने सारा मसाला ले लिया है, एक एक सारा मैंने मसाले का चम्मच लिया है। और ये है कि ये ग्रीन मसाला है, अदरक लहसुन हरी मिर्च ये सब कुछ मैंने कर लिया है रेडी। और बस इसमें अभी मैं जो है ग्रीन मसाला डालूँगी। तो जी अभी मैं टमाटर और ये मसाला डालूंगी। और अगर कुछ बीच में चीज़ें नहीं दिखा सकती, अगर एजल उठ गई तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो इसको अच्छे से करूंगी फ्राई। और सबसे पहले मैं डालूंगी आलू। अच्छा जी, तो आलू मैंने अभी अभी डाले और 2 से 3 मिनट मैंने डाला है पानी का, ताकि आलू अच्छे से हो जाए और थोड़े से गल जाए, क्योंकि चिकन में इतना टाइम नहीं लगता। तो आलू थोड़े से फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसमें चिकन डालूंगी। और पूरी वीडियो वॉच करते रहिएगा। अच्छा जी, तो मैं अभी चिकन डालने लगी हूँ क्योंकि आलू तो लेना है, आलू का पानी सूख गया। तो चिकन मैंने बोला डाल दो, ये तो जो है वो सो रही है। तो चिकन डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही हो रही है इस बार की सर्दी। और 2 दिन से हवा भी बहुत चल रही है, एजल की पहली पहली सर्दी है। और एजल को तो मैं जितना भी कवर करके रखी है, एजल कहीं ना कहीं से ओपन डाउन हो ही जाती है। अभी मैं फिर से थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ना जो है ना चिकन भी हो जाए थोड़ा सा फ्राई। तो इस इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी, आधा गिलास मैंने पानी डाला है। और इसको अच्छे से करते हुए चूल्हा जो है उसको लाइन पर खोल देंगे ताकि अच्छे से दोनों चीज़ें फ्राई हो जाए और मसाला जो था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो पानी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका पानी डाला है चूल्हा में, तेज खोल दूंगी ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से जमे मिक्स और ये उभरा उभरा जो मसाला है इसमें जज्ब हो जाए। और फिर मसाला किचन से मेट लूंगी ताकि एजल जो है ना सो रही थी, उसके एजल को सोते सोते मुझे करना है काम। सो रही है मुझे, जल्दी जल्दी जो है ना पानी का काम खत्म करके मैं ऐसे जाती हूँ, उसको जल्दी से मुझे पकड़ना है। यहाँ के साथ साथ मेरे ऊपर सब्जी रखी, साथ साथ बर्तन वॉश कर रही हूँ। बस यहाँ पे मेरे बर्तन से करती हूँ, सब्जी के साथ जो बर्तन ठंडे हुए वो ही थे। साथ आते थे दफर जाते हैं तो मुझे किचन भी सजना होता है, सफाई करना होता है। ये सब्जी देखते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, सब्जी देखते कितना पानी रह गया। हमें चलते हैं क्योंकि सर सो रही है, मुझे कपड़ा से इतना इधर यहाँ पे सो रही है, सर सो रही है। तो मैं आपको कमरा दिखाती हूँ, सुबह का कमरा मेरा ऐसे ही बड़ा होता है तो थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग कर ली क्योंकि विंडो आपने देखी कितनी बड़ी है और उसके आगे ना कोई वो जैसे बंद करने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको,
दरवाजा या जो भी है खिड़की जैसे होती है बंद करने वाली, वो नहीं है, तो मैंने आके पर्दा लगाया हुआ है। तो इतनी डस्ट आती है, रोज ही ऐसे होता है कि जब तक डस्टिंग नहीं करोगे ना घर साफ नहीं लगेगा। तो हवा चलती है तो मट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो भी सबसे ऊपर रखी तो मैं जल्दी से करती हूँ डस्टिंग। इस बार यहाँ पे सो रही है, कैसे हवा आ रही है तो काफ़ी हवा हो जाती है, तो हवा जब चलती है ना तो काफ़ी हो जाती है डस्ट। ये देखें, ये अलग मैं रोज़ सफाई करती हूँ। ये देखें तो शीशा है ना, तो उसके ऊपर हो जाती है, तो रोज़ खुला हुआ है उसको सारा मैं साफ वाफ करूँगी। ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऐसे यहाँ पे सो रही है वो देखें। तो बस जल्दी से कमरा समेटूंगी क्योंकि ऐसे सो रही है। अच्छा जी, तो देखिए अच्छे से आलू भी जलते हुए मसाला भी सारा हो गया है। अब अगर आपने फ्राई रखना फ्राई रख लो, और अगर आपने पानी डाल के शोरबा बनाना है शोरबा बनाना है चावलों के साथ बनाना, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि थोड़ी सी और शोरबा शोरबा और ग्रेवी ग्रेवी हो जाए। तब इसमें पानी डाल के उसको दम पे रखें। तो ये आलू भी गल चुके हैं, चिकन भी हो गया है, मसाला भी सारा मिक्स हो गया है। तो इसमें जितना भी आप अपने हिसाब से सब्जी के हिसाब से जितना भी पानी मिक्स रखें, इसमें धनिया भी डाल दो। तो इसमें ना मैं मोटी मिर्ची डालूंगी 3 से 4। तो यहाँ पे जी खाना मेरा बन चुका है, क्योंकि ऐसे लुट गई थी, हमारे लाइट भी आ गई है और ऐसे ने पोटी की है। तो ऐसे के लिए मैंने पानी नीम गर्म पानी से मैं वॉश कर कॉटन लेके उसको नीट कर देती हूँ। तो ये पानी हो गया है, तो अब इसको मैं बोल में डालूँगी। किचन भी सारा मैंने समेट लिया और खाना मेरा बन चुका है, ऐसे बाजी मेरी उठ गई है। तो ऐसे को अब हम करेंगे नीट। ये पानी में ले आई हूँ, देखें नीम गर्म पानी हो रहा है। ऐसा ने पोटे की है, ऐसा को मैं ना अब नेट करूँगी। तो गुड़िया रानी मेरी सो रही थी, तो जानी मेरी छोटी सी उठ गई है। ख़त्म करते अभी अभी फारिग हुई। ऐसा को भी देखा है, ऐसा की पोटी वोटी छॉप की है, और ये है कि बस अभी मुँह हाथों कर आके बैठी हूँ। तो घड़ी नहीं वरना मैं आपको टाइम दिखाती कि 7:45 का हो रहा है। तो ऐसे ही पूरा दिन मेरा निकल जाता है। पूरा कमरा मैंने समेटा हुआ है, डस्टिंग सारी की हुई है, और एजल जो है ना उठ गई है। तो ऐसे ही पूरा दिन मेरा एजल के साथ ही जाता है, मेरी गुड़िया के साथ। तो यहाँ पे व्लॉग ख़त्म करती हूँ, खाना वगैरह भी मैंने बना लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो ओके, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। एजल अल्लाह हाफिज़ बोलो, एजल अल्लाह हाफिज़।